जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। आज मैं आपको उन महानतम व्यक्तियों की अनमोल विचारों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें आज समग्र संसार अपना आदर्श मानता है। नेपोलियन हिल, सपने सच हों इसके लिए सपने देखना जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, हम दबाव से अनुशासन कभी नहीं सीख सकते। महात्मा गांधी, महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने काम से प्यार करें। स्टीव जॉब्स, ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। वॉरेन बफेट, जो लोग अपने समय का सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं वे ही सबसे पहले इसके अभाव की शिकायत भी करते हैं। कोरी टेन, लोगों के गुलाब गुण को देखते रहेंगे तो आपके पास उनसे स्नेह करने का समय ही नहीं रह जाएगा। मदर टेरेसा, कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। लियोनार्डो दा विंची, श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं बल्कि हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। अरस्तु, भक्ति वह है जो ज्ञान उत्पन्न करती है, ज्ञान वह है जो स्वतंत्रता को गढ़ता है। तुलसीदास, असफलता वह मसाला है जो सफलता का स्वाद देता है। ट्रूमैन कैपोट, प्रत्येक अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जिसमें आपके चेहरे पर डर का आना बंद हो जाता है। एलिनोर रूज़वेल्ट, यदि आप अपनी याददाश्त का परीक्षण करना चाहते हैं तो याद करें कि आज आप एक साल पहले क्या चिंता कर रहे थे। ई जोसेफ कासमैन, बार बार पराजित होना केवल एक अस्थायी स्थिति है, परित्याग ही इसे स्थायी बनाता है। मर्लिन बोसंत, जीवन में आने वाली बाधाएं हमारे कदमों के बीच आने वाले वो पत्थर हैं जो हमें रोकते तो हैं और आगे आने वाले खतरों से भी अवगत कराती हैं। प्रेस्कॉट, यदि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो उन्हें करने के लिए खुद को जगाना होगा। जे एम पावर, अनुभव वह है जिसे आप प्राप्त करते हैं। अनुभव तभी प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन वह आपको प्राप्त नहीं होता है। डैन स्टैनफोर्ड, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। गुलजार, जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला, कुछ लोग सफल होते हैं क्योंकि उनकी नियत है और कुछ लोग इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि वे निर्धारित होते हैं। अनजान सुक्ति, गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। अज्ञात, प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर है। मदर टेरेसा, आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। अज्ञात, वहां प्रेम नहीं है जहां इच्छा नहीं है। इंदिरा गांधी, अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जीवन में सदैव सुख ही मिली यह बहुत दुर्लभ है। महर्षि वाल्मीकि, केवल यश और नाम वाले की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। यजुर्वेद, जो आत्म अनुशासन नहीं रख सकता वह दूसरों को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। सूत्र कृतांग, पहले आपको खुद बदलना होगा जैसा कि आप दुनिया को देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी, मैं हर कदम पर हारा हूँ पर जन्मा केवल जीत के लिए हूँ। एमर्सन, अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। महर्षि वाल्मीकि, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। कहावत, चिड़चिड़ेपन को हमें हीनता की भावना का लक्षण समझना चाहिए। अल्फ्रेड एडलर, अभिव्यक्त की कुशल शक्ति ही तो कला है। मैथिली शरण गुप्त, बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। नारायण दास, याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आदमी का भीतरी खालीपन केवल दो चीजों से भरा जा सकता है, प्रेम से और त्याग से। मोरारी बापू, अनजान होना इतनी शर्म की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार न होना। पुराण, अगर व्यक्ति अपनी पूरी लगन के साथ कोई भी काम करता है तब उसे कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता है। अज्ञात, मेहनत एक नशा है जिसका घाटा तो कुछ नहीं है लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है।
एलन मस्क, मैं कर सकता हूँ यह विश्वास है, केवल मैं ही कर सकता हूँ यह अंधविश्वास है। अज्ञात, जब भी कोई हंसने का अवसर मिली तो हंसे, यह एक सुलभ दवा है। लॉर्ड ब्रायन, लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करना दूसरों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन है। अल्बर्ट आइंस्टीन, हम सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। चार्ली चैपलिन, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध, तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है। ओशो, अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाएं। पाल बेलेरी, अभागों के मित्र नहीं होते। एमर्सन, आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक, डर के ऊपर उम्मीद का होना ही साहस है। मार्क जुकरबर्ग, जो सभी का मित्र होता है वो किसी का भी मित्र नहीं होता। ओशो, क्रोध ऐसी आंधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है। अज्ञात, कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। गुरु नानक देव, पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर कोई और धर्माचरण नहीं है। वाल्मीकि, कला प्रकृति की सहायता करती है और अनुभव कला की। टॉमस फुलर, जो काम पढ़ने पर सहायक होता है वही मित्र है। दीर्घ निकाय, किताब एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। गैरिसन कीलर, प्यार और दया जरूरी है ना कि विलास, क्योंकि इनके बिना मानवता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दलाई लामा, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। चाणक्य, मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। चाणक्य, मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हाथ जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस प्रकार जल कमल की पत्ती पर नहीं ठहरता है उसी प्रकार मुक्त आत्मा की कर्म उससे नहीं चिपकती।